भोपाल में भारी बारिश के चलते बेरसिया और कंधा जनपद के कई गांवों में सोमवार को बाढ़ के हालात बन गए। बेरसिया के गांव लहारपुर और जनकपुर में बाढ़ आ जाने से ग्रामीण फंस गए, जिसकी सूचना देर रात पुलिस प्रशासन को लगी और सूचना मिलते ही कलेक्टर अविनाश लवानिया, ग्रामीण आईजी भोपाल इरशाद वली और एसपी किरण केरकेट्टा देर रात 1 बजे लहारपुर पहुंचे और उनके साथ ही एसडीएम आदित्य जैन, तहसीलदार आलोक पारे, एसडीओपी और टीआई भी मौजूद थे। ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ प्रशासनिक अमले ने रात में ही रेस्क्यू शुरू कर दिया था और बेरसिया के अंतिम लहारपुर गांव में संजय सागर डैम के गेट खुल जाने से बाढ़ के हालात बन गए। वहीं नवीन दिन में विधायक विष्णु खत्री ने भी निरीक्षण किया था और यहां रात तक पूरा गांव जलमग्न हो गया था और सोमवार देर रात 2 बजे बचाव दल ने 2 परिवारों को बचाने के लिए बोट से रेस्क्यू शुरू किया था, लेकिन बीच में ही बोट का इंजन बंद हो गया और इससे एक पेड़ के सहारे रात भर बचाव दल बीच में रुक गया और मंगलवार को सुबह 6 बजे बोट के इंजन को सुधार कर रेस्क्यू शुरू किया और यहाँ एक टापू पर फंसे 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इनमें एक महिला, 2 बच्चे सहित अन्य पुरुष भी शामिल है। यहाँ पर गांव जनकपुर में भी बाढ़ आने से ग्रामीण फंस गए थे और टीमों ने रेस्क्यू कर लगभग 150 ग्रामीणों को बाहर निकालकर कैंप में पहुंचाया है और तहसीलदार आलोक पारे ने आगे बताया है कि एनडीआरएफ प्रशासन और पुलिस की टीमों ने लहारपुर जनकपुर से 160 लोगों को रेस्क्यू कर सुहाने में बनाए गए कैंप में सुरक्षित ठहराया है। यहाँ उनके लिए भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई है।